आज गीता कुकिंग वर्ल्ड में बनने जा रहा है एक नई रेसिपी जो सभी को पसंद आती है। तो यहाँ पर हमने बनाया है सेव टमाटर की सब्जी, वो भी खट्टी और मीठी। आप गुजरात साइड जाओगे तो ये सब्जी आपको खास करके खाने में मिलेगी। शादी में भी खास करके बनाई जाती है, और घर में सब्जी नहीं होती तो कई घरों में तो टमाटर की सब्जी तो खास करके बनाई जाती है। बहुत ही पारंपरिक रेसिपी है दोस्तों, हाथों से बिना प्याज लहसुन की बनाई जाती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बच्चे बड़े सभी इसे पसंद करके खाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारी रेसिपी आखिरी तक देखनी, और कैसी लगी रेसिपी तो हमें कमेंट करके जरूर बताना है। तो यहाँ पर हमने लेना है 6 टमाटर, आप देख सकते हो हाँ दोस्तों टमाटर की जो हम सब्जी बना रहे तो यहाँ पे एकदम फ्रेश वाले टमाटर चाहिए और रेड वाले चाहिए, देख सकते हो एकदम लाल वाले, थोड़े पके हुए तो भी चलेगा पर इसकी जो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आती है खट्टी और मीठी। तो ध्यान देना है कि पके वाले ही टमाटर हमें लेना है, कच्चा थोड़ा भी लेना नहीं है। अब यहाँ पे चॉपर लेना है, चॉपर में हमने टमाटर रख लिया है, टमाटर का जो ये हिस्सा होता है वो हमें नहीं चाहिए, इसे निकाल लेना है। हाँ दोस्तों ये जो रेसिपी होती है यानी कि टमाटर की सब्जी सेव टमाटर की, ये बिना प्याज और लहसुन की बनाई जाती है और बहुत ही पारंपरिक रेसिपी है। जब घर में कोई सब्जी ना हो, बच्चों को जोरों से भूख लग जाती है तो तुरंत ये बनकर तैयार हो जाती है, खट्टी मीठी सेव टमाटर नु साग। आप गुजरात साइड जाओगे तो आपको ये सब्जी जरूर खाने को मिलेगी, और हर घर में मिलती है और शादी में भी मिलती है। शादी में जाओगे ना तो वहां पे भी ये सब्जी रहती ही है, सभी को पसंद आती है, बच्चे से लेके बड़ों तक। तो टमाटर को हमें छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेना है। अब यहाँ पर सारे टमाटर हमने कट कर लिए दोस्तों, देख सकते हो हाँ दोस्तों ये सब्जी जो होती है बिना प्याज की बनाई जाती है, पर कई घरों में इसे प्याज के साथ लहसुन के साथ भी बनाया जाता है, पर यहाँ पे मैं प्योर गुजराती स्टाइल में बना रही हूँ तो इस तरीके से बनाई जाती है दोस्तों। तो प्लीज आपने आखिरी तक ये रेसिपी देखनी है और कैसी लगी तो हमें बताना है। अब यहाँ पे गैस ऑन कर लिया है, मैंने पैन भी रख लिया है, अभी पैन के अंदर डालेंगे 2 चम्मच जितना ऑयल, छोटे वाले चम्मच डालना है दोस्तों, बड़े वाले नहीं। ऑयल को हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अभी यहाँ पे डाल के 1/2 चम्मच जितने सरसों के दाने, इसे हमें अच्छी तरह से तड़तड़ कर लेना है। यदि सरसों के दाने तड़तड़ नहीं हो गए फिर कच्चापन लगेगा, फिर खाने में सब्जी कड़वी लगेगी, तो इस बात का आपने ध्यान देना है। आप देख सकते हो तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अभी सरसों के दाने में आवाज आना स्टार्ट हो चुका है, तड़तड़ देख सकते हो, परफेक्ट। अभी यहाँ पे डालेंगे 1/2 चम्मच जितना जीरा, जीरे के साथ डालेंगे 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अभी यहाँ पे अच्छी तरह से इसे चला लेना है 1 मिनट के लिए, जैसे हमारे जीरे और मिर्च चढ़कना स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे तुरंत हमें डाल देना है टमाटर। अब इसे अच्छी तरह से चला लेना है, हाँ दोस्तों राई और जीरा हमारा अच्छी तरह से तड़कना चाहिए तभी टेस्ट आती है सब्जी खाने में, यदि कच्चा होगा तो मजा आएगी नहीं। तो इसे 1 मिनट के लिए चला लेना है। अब यहाँ पे इसे हमने 1 मिनट के लिए चला लिया, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे डालने हैं बाकी के मसाले जो सभी के घर में होते हैं, रेगुलर मसाले इसमें डाले जाते हैं दोस्तों। जो सेव टमाटर की जो सब्जी हम बनाते हैं तो इसमें स्पेशल मसाला नहीं होता है, जो घर में हमारा मसाला होता है रेगुलर वही डाला जाता है। यहाँ पे डाल के 1 चम्मच जितनी कश्मीरी मिर्ची पाउडर, ये सिर्फ कलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ दोस्तों, यदि तीखा ज्यादा खाना पसंद करते हो तो तीखी मिर्ची भी इसमें डाल सकते हो। 1 चम्मच यहाँ पे डालेंगे धना जीरा पाउडर डाल देना है, इसी के साथ ही हम डालेंगे 1/2 चम्मच जितनी हल्दी, हल्दी के साथ ही हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पे जाएगा 1/2 चम्मच से थोड़ा कम शक्कर। हाँ दोस्तों अभी आपको लगा शक्कर डाल दे मजा गई खाने के लिए, नहीं दोस्तों यदि आप गुजरात साइड जाओगे तो यहाँ पे शक्कर डाली जाती है, शक्कर भी डाला जाता है और गुड़ भी डाला जाता है, तभी इसे करते हैं खट्टी मीठी टमाटर सेव की चटनी, सब्जी चटनी भी कहा जाता है और सब्जी भी कहा जाता है। अब इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं, यानी टमाटर भी हमारे मसाले के साथ घुल जाए। रेसिपी आपको हमारी ये कैसी लगी तो प्लीज हमें बताना ना भूले। अब यहाँ पे सारी सामग्री हमने टमाटर में डाल दी है, अभी सारे सामग्री जितनी भी हमने डाली थी टमाटर के साथ गल गई है। हाँ दोस्तों टमाटर को हमें ज्यादा गलाना नहीं क्योंकि यहाँ पे हम टमाटर सेव की चटनी बना रहे हैं, यदि आप ज्यादा टमाटर को गला दोगे फिर मजा आएगी नहीं खाने में, इसमें हल्का टमाटर रखना भी चाहिए तभी मजा आती है खाने में। यदि आप गुजरात साइड जाओगे तो आपको इस तरीके से सब्जी खाने मिलेगी और आप बड़े प्यार से खाओगे, तो क्यों ना फिर अभी कोई जाएगा तो नहीं गुजरात को, कोई गया तो प्लीज बताना है कि सही में ऐसी सब्जी बनती है क्या नहीं। हमारे यहाँ पे तो ऐसी ही बनती है, गुजरात साइड स्पेशली बनाते हैं हम घर पे, क्योंकि मैं खुद ही गुजरात की हूँ तो इसलिए मेरे घर में कभी सब्जी ना हो तो मैं इसे ऐसे बनाकर बच्चों को और मेरे हस्बैंड को मैं खिलाती हूँ, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। अभी यहाँ पे देख सकते हो धीमे आंच पे और 2 मिनट चला लेते हैं।
अभी अभी आप देख सकते हो टमाटर हमारे गल चुके हैं। यहाँ पे मैंने ज्यादा टमाटर को गलाया नहीं है, थोड़ा ही गला है और बहुत कम ऑयल में इसे मैंने बनाया है। ऐसे तो टमाटर की जो सब्जी बनाते हैं सेव की, तो ज्यादा ऑयल डाला जाता है। तो यहाँ पे हम डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। हाँ दोस्तों, आप एक बात बताना चाहोगी, जब भी आप खाना खाने बैठोगे तभी इसमें सेव डालिए। यदि आप पहले सेव डाल दोगे तो सेव हमारी नरम हो जाएगी, फिर मजा आएगी नहीं सब्जी खाने में। खाना खाने बैठने के टाइम पे ही सेव डाली जाती है, पहले नहीं डाली जाती, तभी सब्जी का स्वाद एक बड़ा लगता है, एकदम दुगना, एकदम बढ़िया सा। अब इसे भी चला लेना एक मिनट के लिए। सारी सामग्री अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, आप देख सकते हो परफेक्ट आ रहा है ना मुंह में पानी। तो कब घर पे बना रहे हो फिर बताना कैसे बनी है सब्जी। अब यहाँ पे लेना एक कप जितनी बारीक वाली सेव, ये हर कई दुकान में इजीली मिल जाती है दोस्तों बारीक वाली सेव। तो यदि आपको इसकी रेसिपी देखनी होगी तो हमें कमेंट करना, मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगी बारीक वाली सेव कैसे घर पे बनाई जाती सिंपल तरीके से। तो एक कप यहाँ पे मैंने डाल देना है। अभी हम खाना खाने बैठने वाले, तभी मैंने इसमें सेव डाली, पहले सेव नहीं डालनी है। यदि आपके घर में कोई अचानक मेहमान आ जाए तो आपने क्या करना है, टमाटर की सब्जी बना लेनी है, फिर मेहमान आ जाए तभी सेव डालकर परोस लेना है। अभी इसे भी एक मिनट के लिए चला लेते हैं। अभी यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई, आप देख सकते हो बहुत ही कम ऑयल में हमें इसे बनाया है परफेक्ट। अब गैस बंद कर देते हैं और सर्विसिंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं।